लेकिन वहां भारत में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि हम अगले 25 साल में एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे। वो कि मैं समझता हूँ ये बहुत ओवर स्टेटमेंट है, वो ज्यादा मोदी साहब जो हैं वो छोड़ते भी बहुत हैं, लेकिन एटलीस्ट वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है स्टेट को देना वो भी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है, जहां पे पर कैपिटा इनकम जो है वो तकरीबन 1,100 डॉलर से कुछ और 1,000 डॉलर तक। सुन रहा था इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को, वो कह रहे थे कि जो हमारी पर कैपिटा एवरेज इनकम है वो तकरीबन 2,000 डॉलर है, ये जयशंकर कह रहे थे। ये भी तो उनकी 3 ट्रिलियन डॉलर की है, ये पर कैपिटा इनकम की वो बात कर रहे थे। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ इस ये रेफरेंस दे के मोदी साहब का, कि वो कह रहे हैं हम 25 साल में डेवलप हो जाएंगे और हम कह रहे हैं कि हम 75 साल में गलतियां हुई, हम अपने मुल्क को तरक्की नहीं दिला सके। तारण साहब वो फिर 1 अरब 40 करोड़ को लेके आगे की तरफ जा रहे हैं, हमसे 25 करोड़ नहीं संभाले जा रहे। तो ये इसका ये भी तो एक इसको भी थोड़ी रोशनी डालें कि ये क्या गलतियां कर रहे हैं और हम कहाँ फंस गए हैं। देखें, मैं उसमें इस वक्त इंडिया इज डेफिनेटली ऑन अ राइट ट्रैक, मैं बताता हूँ। और इस ट्रैक में आने के लिए सिर्फ मोदी साहब नहीं, उनके पीछे बड़ी फिलासफी है, उसके पीछे बड़े लोगों की कुर्बानी है। अगर लोग आप देखें, मैं जब आप उनकी लीडरशिप पिछली देखता रहा हूँ, देसाई, मोरारजी देसाई है, वाजपेयी है, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का बड़ा इसके अंदर रोल है। और मैं समझता हूँ कि मोदी साहब ने तो बल्कि आके चीजों को मजीद स्टेरॉइड पे किया है। और दूसरा, इन्होंने खान साहब ने, मैं खुश हूं इन्होंने कि डॉक्टर जयशंकर की इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी आजादी में, लेकिन खान साहब ने जिस तनाजर के साथ डिस्कस किया वो गलत है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर जयशंकर आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका उनके पास फॉरन रिजर्व आपसे कुछ 4 गुना ज्यादा है आपसे। उनके पास वो भूखे नहीं है, वो जहां जाते हैं मांगते नहीं है। आपके मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो खुद आपके फॉरन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब हम जिस मुल्क के पास जाते हैं वो हमें पैसे नहीं देता। तो फॉरेन पॉलिसियां, हकीकी आजादियां, ये ख्वाब, ये पाकिस्तान का मतलब क्या है, ये तब होता है जब आप मुआशी तौर पर आजाद होते हैं। अब मोदी साहब ने क्या किया कि चीजें फास्ट ट्रैक पे जा रही थी उनकी, बिल्कुल पहले भी फास्ट, लेकिन अब उन्होंने स्टेरॉइड्स पे कर दी है। उसकी वजह यह है, नेशनलिज्म को प्रमोट किया है। पहली दफा इस वक्त जो हिंदू मेजोरिटी है, उनका कॉन्फिडेंस उन्होंने बढ़ा दिया। और उसी के लिए जब उन्होंने कहा ना 25 सालों में हम ये कर देंगे, तो अब देखिएगा वो जो उनके फॉलोअर हैं वो इस उसको 25 से भी शायद पहले कर दें डिलीवर चीजें, क्योंकि दिस इज व्हाट यू नीड, दिस इज व्हाट द, देखें ये लीडरशिप, दिस इज व्हाट द लीडरशिप इज अबाउट, टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, टू गिव यू समथिंग टू वर्क ऑन, टू गिव यू समथिंग टू ड्रीम ऑन। तो ये मसला है हमारा। हमें भी खान साहब तो देखिए, खान साहब ने किया है, खान साहब भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अफगानिस्तान वाली, उनकी ये किसी एक स्पीच में खान साहब ने कहा हो कि फलान चीज एक्सपोर्ट करें, आए मिले, आए देखे सारे बच्चे ऑनलाइन जो ट्विटर कर रहे हैं, ट्वीट में कर रहे हैं, आओ इन सबको दिखाएं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग किस तरह करते हैं। खान साहब ने आज तक कहा हो कि आए हम अपने एक्सपोर्ट को इस तरह बढ़ा देंगे, आए मुल्क कुर्बानी दें, हम इंपोर्ट इस तरह कम कर दें, इंपोर्ट को बंद कर दीजिए, आज के बाद हम इंपोर्टेड चीजें पसंद नहीं करेंगे, मेड इन पाकिस्तान के जो, वो देखें मैं मिसाल देता हूं, कहते ना मेक इन इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट्स, खान साहब मूवमेंट चलाते हैं, खान साहब के पास इतनी इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। खान साहब ये जो कॉन्सेप्ट करना था, ये अगर बलोचिस्तान में कर लेते तो फिर इनका कद और बड़ा हो जाना था। खान साहब ने आज तक बलोचिस्तान की बात की, खान साहब ने आज तक कोई ये कहा हो आए मिल को पाकिस्तान, खान साहब ने कहा आज तक को रोड मैप दिया कि मैं आए जी अगले 5 साल तक, 25 साल छोड़े, आज अगर कहें पाकिस्तान के हमने 5 साल तक कर्जे अपने खत्म कर देने, आए मिल के फलां चीज हम एक्सपोर्ट करेंगे, आए हम इंपोर्ट करना बंद कर दे, कभी कहा है किसी नून लीग ने, कभी कहा, कभी पीपल्स पार्टी ने कहा? यही तो डिफरेंस है हमारा और भारत का। अब तो आपको कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए उनके, क्योंकि गैप इतना ज्यादा हो चुका है आपका भारत के साथ कि वो यू कैन नॉट टच देम, यू कैन नॉट टच देम। आप तो बांग्लादेश के साथ भी कंपेयर कर रहे, आप तो आजकल अफगानिस्तान के साथ भी कंपेयर करने के हालात नहीं, उनकी करेंसी भी आपसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कि आपको शीशे शीशे ही कोई दिखाता, आपको ख्वाब बस ख्वाब आए रियासत मदीना। और यार पहले इस्लाम को तो समझ लो यार, इस्लाम ये कहता है कि मुल्क आपका सारे बेरोजगार बैठे हो, सैलाब के मुतासरीन है, और आप यहां नाच गाने कॉन्सर्ट कर रहे हो, ये इस्लाम है आपका, ये कौमियत है आपकी। मैं सिंध के हिंदुओं की तो बात ही नहीं करता, वो तो
अब वैसे ही आप उसको उनको समझते हैं थर्ड क्लास सिटीजन, उन बल्कि अच्छे मुसलमान हो तो उनकी भी मदद करें जाके, सर पे बिठाए उनको भी। लेकिन ये कि किसी मोरालिटी हो तब, किसी को एहसास हो। आप, मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, आप सबसे पहले पैदा होते हैं एज ए इंसान, उसके बाद मुसलमान हिंदू और सिख बनते हैं। लेकिन अगर जिसको इंसानियत का कोई दर्द नहीं है, उसको मजहब का क्या है? ये सिर्फ हमने एक 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 रूप पहना हुआ है, एक कमीज पहनी हुई है, मैंने हिंदू की शर्ट, मैंने मुसलमान की शर्ट पहनी है, किसी और ने हिंदू की शर्ट पहनी, किसी ने सिख की कमीज पहनी हुई। इनसाइड हम गंदे लोग हैं, हमने ना अपने मजहब को, हमने सिर्फ ये कारोबार बना रखा है मजहबों को, हम इसके स्पिरिट्स को नहीं देखते, इसके ओरिजिनलिटी को नहीं देखते। दुनिया में ऐसा कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो नफरत सिखाता हो, लेकिन ये कि हम अपने मकासद के लिए, मैंने जिस तरह बताया खान साहब की, कभी मैं कहता हूँ कि मैं देखने वालों को फूड फॉर थॉट्स है, वो मैकावली की किताब कभी आप पढ़े द प्रिंस, बिल्कुल यही लग रहा है। खान साहब ने उसी का रोड मैप लेके इसने, खान साहब ने पाकिस्तान को यरगमाल बना लिया, लेकिन आई विश के इनको को रोके, वरना ही इज गोना टेक पाकिस्तान टू अफगानिस्तान और सोमालिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तार साहब, ये हमें अफगानिस्तान और सोमालिया की डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर हो, जिस तरह की हमें लीडरशिप मिली हुई है, उम्मीद कम है और हमें इनके दुख ज्यादा खा गए हैं, इनकी अपनी आपस की लड़ाइयाँ ज्यादा हैं और हमारे अवाम के जो मसले हैं उस पर ये बात जो है वो नहीं करते। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ऑब्वियसली। थैंक यू वेरी मच तार साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, हमेशा बड़ी दिल से बड़ी मोहब्बत से पाकिस्तान की बात करते हैं और वो दुख दर्द जो एक आम आदमी का इशू होता है उसको आप डिस्कस करते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द डे किसी के कान में तो कुछ पड़ जाए और ये कुछ तो ये समझें कि जो आप बार बार बात करते हैं कि लाहौर में जलसा करते हो, बलूचिस्तान में क्यों नहीं करते, वो भी पाकिस्तान है, और जो आप बात करते हैं कि लाहौर इस्लामाबाद से लेकर लाहौर पाकिस्तान नहीं है, सिंध और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान है, उसकी भी बात करें तो ये बातें जो है, मेरा मकसद ये था कि वहां जाके ये कंसल्ट करने के बजाय जो सलाब सदगान है जिनका एक छत था वो भी तबाह हो गया, उनको सपोर्ट करते, उनकी मदद करते, दुख तो ये है। बस ये एलीट है तार साहब, ये एलीट, और ये एलीट सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ही वॉच कर, आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा, और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब शत प्रतिशत सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमें हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी, ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समन्वय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है।
यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया, एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब सपने बड़े होते हैं जब संकल्प बड़े होते हैं तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है, शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में जुट जाती है। अब कोई कल्पना कर सकता है कि देश उस 40-42 के कालखंड को याद कीजिए, देश उठ खड़ा हुआ था, किसी ने हाथ में झाड़ू लिया था, किसी ने तकली ली थी, किसी ने रेंटिया लिया था, किसी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना था, किसी ने संघर्ष का मार्ग चुना था, किसी ने क्रांति की वीरता का रास्ता चुना था। लेकिन संकल्प बड़ा था आजादी, और ताकत देखिए, बड़ा संकल्प था तो आजादी लेके रहे, हम आजाद हो गए। अगर संकल्प छोटा होता, सीमित होता, तो शायद आज भी संघर्ष करने के दिन चालू रहते। लेकिन संकल्प बड़ा था तो हमने हासिल भी किया।